हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, एक ऑर्नामेंटल इंडोर और पेरिनल प्लांट। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी रंग बिरंगी पत्तियों की वजह से ये प्लांट बहुत ही ज्यादा डिमांड पे रहते हैं और हर कोई इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड करता है, क्योंकि ये प्लांट अगर हमारे पास रहेगा तो कभी भी हमें फूलों की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इनकी पत्तियां ही बहुत ही कलरफुल होते हैं और इतनी वैरायटी मिलती है इनकी की अनगिनत है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर, और इस प्लांट को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं और आपको कहीं पर भी नजर में आती है, चाहे ऑफिस हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, या रेलवे स्टेशन हो, पेट्रोल पंप हो, कहीं पर भी ये प्लांट देखने को मिलता है। स्कूल एरिया में भी हर कोई इस प्लांट को जरूर लगाता है, क्योंकि इस प्लांट की ज्यादा केयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन विंटर में एक प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स इस प्लांट के साथ, तो आज की वीडियो में उसी टॉपिक पे शेयर कर रही हूँ कि विंटर में इस प्लांट की जो लीव्स होती है फ्रेंड्स, वो सूख के नीचे की तरफ गिर जाता है और ये प्लांट कभी कभी पूरा खराब हो जाता है। तो आज मैं 4-5 टिप्स ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उन बातों का अगर आपने ध्यान रखा है तो आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। तो सिर्फ पहले फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सके। फ्रेंड्स, मैंने क्रोटन के ऊपर पहले भी 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे लिंक सेंड कर दूंगी। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो वो देख सकते हैं और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी भी मेरे पास है फ्रेंड्स, कहीं से भी मुझे ये क्रोटन का प्लांट दिखता है तो मैं इसके छोटे से ब्रांच लाने की कोशिश करती हूँ, और नर्सरी में अगर इनकी वैरायटी मुझे दिख जाए तो मैं जरूर लेती हूँ। और हर वैरायटी का कलर, लीव्स का साइज, हाइट में डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके कलर ही इतने खूबसूरत होते हैं, और रेड कलर में, ग्रीन कलर में, पर्पल में, व्हाइट में, और ये येलो शेड में बहुत सारी वैरायटी इनकी देखने को मिलता है। तो चलिए बताते हैं हम कि विंटर में इस प्लांट की किन किन बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि ये प्लांट हमारा खराब ना हो। सबसे पहली बात मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड्स क्रोटन के लिए, सनलाइट। फ्रेंड्स, विंटर में क्रोटन को सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। समर में इस प्लांट को मैं सेमी शेड एरिया में रखती हूँ। अगर आप विंटर में इसे सनलाइट में नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, तो इनकी जो लीव्स है, तो सबसे मेन कारण यही होता है और हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, कि इनकी सारी ये खूबसूरत, देखिए कलरफुल पत्ते वाले ये लीव्स क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और झड़ के नीचे गिर जाता है और हमारा प्लांट एक स्टेम पे टिका रहता है। तो वो काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, इसे सनलाइट में लाना बहुत जरूरी है। अगर इनडोर में रखा है या सेमी शेड एरिया में रखा है तो इसे ऐसी जगह रखिए आप कि इसे 2-3 घंटे की धूप इसे मिले किसी भी टाइम, तो धूप में रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को धूप में रखिए तो आपका ये प्लांट कभी खराब नहीं होगा। सेकंड चीज है फ्रेंड्स वाटरिंग की। क्रोटन ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, इसे ज्यादा पानी दो तो खराब हो जाता है, कम पानी दो तो भी खराब हो जाता है। तो हमें विंटर में ये ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, जब इसकी सॉइल एकदम ड्राई हो जाए तभी हमें ध्यान रखना है कि इस प्लांट में हमें वाटरिंग करना है। और आप अपने हिसाब से ध्यान रखिए कि इस प्लांट में आज हमने जैसे पानी दिया है तो कम से कम 3 दिन या 4 दिन छोड़कर फिर इस प्लांट को हमें वाटरिंग करना है अच्छी तरह। अगर आप रोज रोज इसमें पानी डालेंगे विंटर में, वैसे भी हर किसी प्लांट में हमें वाटरिंग कम करनी होती है, तो अगर हम बहुत ज्यादा वाटरिंग करेंगे विंटर में तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, नीचे से इनकी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी पानी का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे इस प्लांट को पानी के लिए तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, जब लगे कि इसका सॉइल एकदम ड्राई हो गया है तो आप पानी दीजिए, और अगर इनकी जब पानी की इनको रिक्वायरमेंट होती है तो इनकी जो लीव्स होती है फ्रेंड्स वो नीचे की तरफ ऐसे लटक जाता है, तो आप समझिए कि इस ये प्लांट आपसे पानी मांग रहा है। तो उससे पहले भी आप पानी दे सकते हैं, एक ध्यान रखिए कि हमें किस टाइम इसमें पानी देना है।
पानी के साथ साथ फ्रेंड्स हमें सॉइल का भी ध्यान रखना होता है। जब आप इस प्लांट की कटिंग से ग्रो करें या तो आप नर्सरी से खरीद के ला रहे हैं तो इसकी सॉइल आप तैयार कीजिए फ्रेंड्स, से भुरभुरा सॉइल तैयार कीजिए। तो हम वेल ड्रेन सॉइल के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि मैं सॉइल कैसे तैयार करती हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, आप रिवर सैंड का भी यूज कर सकते हैं और फर्टिलाइजर का भी। तो ये चीज मिला के अगर आप सॉइल तैयार करेंगे तो ये क्रोटन के लिए बहुत अच्छा एक वेस्ट सॉइल होता है, उससे ये प्लांट विंटर में भी सर्वाइव करने में बहुत इनको आसानी होती है और इनको सॉफ्ट नहीं होता है विंटर का, नहीं तो ये विंटर में ये प्लांट ज्यादातर खराब हो जाता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स फर्टिलाइजर, अगर आप भूल गए कि क्रोटन में विंटर से स्टार्ट होने से पहले और समर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने फर्टिलाइजर नहीं किया तो ये प्लांट खराब हो जाता है। देखिए मेरे प्लांट फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फर्टिलाइजर कर दिया है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स क्रोटन में फर्टिलाइजर देना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि क्रोटन को बस साल में दो बार या तीन बार ही फर्टिलाइजर करनी होती है, इनको ज्यादा फर्टिलाइजर भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स है। इसे बस नॉर्मल फर्टिलाइजर दीजिए, मैं जो देती हूँ वही मैं आपके साथ बता रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने अभी ये विंटर स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले अगस्त स्टार्टिंग में ही मैंने इसमें काउडंक बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया इसकी सॉइल में, तो सॉइल की कुछ ऊपर की परतें मैंने गार्डन सॉइल को हटा के तब जाके इसमें मैंने काउडंक मिला के फिर ऊपर से मैंने अच्छी तरह गुड़ाई कर दिया है। तो मेरा प्लांट देखिए कितना सुंदर है। तो अगर आपके पास काउडंक नहीं है फ्रेंड्स तो और भी ऑप्शन है, जैसे नीम खली मिला सकते हैं आप, सरसों की खली मिला सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो बोन मिल मिलाइए, तो ये प्लांट बहुत ज्यादा खुश रहेगा। अगर आपने फर्टिलाइजर अच्छी तरह नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि कम फर्टिलाइजर देना होता है साल में दो बार या तीन बार, तो ये विंटर से पहले एक बार जरूर दीजिए, तो इनकी जो खून सुंदर सुंदर ये देखिए लीव्स है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये प्लांट आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये चार पांच टॉपिक आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कभी भी क्रोटन विंटर में आपका खराब नहीं होगा। और मेरे पास जितने भी क्रोटन की वैरायटी है और प्लांट है फ्रेंड्स, सारे सेमी शेड एरिया में रखा हुआ था, लेकिन मैंने अभी धूप में लाके रखा है इसे, कि मॉर्निंग की धूप भी लगे और इसे डायरेक्ट ओस भी ना पड़े, और फर्टिलाइजर भी मैंने अच्छी तरह कर दिया है। तो इन बातों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपका सुंदर सा प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर लिखिए, और ऐसी नई नई मैं वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।